नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाड़ा हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास के भी मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए देखते हैं। तो आज की क्लास में पहला शब्द आपके सामने कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है आपके सामने। और शब्द ये है PRIVILEGE। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, क्या किस रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए, प्रीविलेज इसको कहा जा सकता है। प्रीविलेज मतलब क्या होता है इसका? देखिए, अपने को कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, तो उन विशेष अधिकारों को ही, उन विशेषाधिकारों को ही अपन क्या कहते हैं? प्रिविलेज कह सकते हैं। तो विशेषाधिकार का ही इंग्लिश रूप क्या हो गया? प्रिविलेज हो गया। तो देखते हैं दूसरा शब्द। तो बढ़ते हैं दूसरे शब्द की तरफ। और दूसरा शब्द आपके सामने है PROHIBITORY। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? देखिए, प्रोहिबिटरी, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्रोहिबिटरी क्या होता है? ये प्रोहिबिटरी, ये निषेधात्मक होता है। तो विशेष अधिकार तो अपने को किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में जो विशिष्ट अधिकार मिलते हैं उनको कहा जाता है। जबकि निषेधात्मकता, निषेधात्मकता का मतलब होता है कि ये काम आपको नहीं करना, ये क्या होती है? निषेध होते हैं कि इस काम को करना वर्जित है या निषेध है। तो उसको अपन नहीं के अर्थ में या नकारात्मक शब्द को ही अपन क्या कहेंगे? निषेधात्मक। तो ये थे दो पारिभाषिक शब्दावली के शब्द आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं राजस्थानी के शब्दों की तरफ। तो एक शब्द आपके सामने है अलसोट। क्या होता है अलसोट? निनाड निकाला है? हाँ, निकाला होगा, नहीं तो सुना जरूर होगा। तो वो निनाड क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो फसल होती है ना, उसके साथ घास उगाती है, तो वो जो घास होती है उसको ही क्या कहा जाता है? अलसोट कहा जाता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि भाई, फसल के साथ उगने वाली घास ही क्या कहलाती है? अलसोट कहलाती है। तो अंतिम शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तो अंतिम शब्द आपके सामने है ललाड़। अब ललाड़ किसे कहते हैं? देखिए, ललाट कहते चाहे ललाड़ कहते एक ही बात है, मस्तक को कहा जाता है, माथे को कहा जाता है। तो ये थे आज की क्लास के चार शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक संधि की तरफ। तो पहला आज की क्लास में आपका, आपके सामने शब्द था प्रिविलेज, जिसे विशेषाधिकार कहा जाता है। दूसरा प्रोहिबिटरी, जिसके लिए निषेधात्मक शब्द काम में लिया जाता है। और उसके बाद अलसोट यानी फसल के साथ उगने वाली घास, ललाड़ यानी मस्तक। तो ललाड़ के लिए मैंने आपको बताया कि भाई ललाट भी आ सकता है और इसके साथ साथ लिलाड़ भी आ सकता है। तो लिलाड़ भी आ जाए तो ये एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ, सॉरी, एक ही अर्थ में जाने वाले विभिन्न शब्द हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और मेन क्लास की तरफ। मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। और संधि में भी कौन सी संधि? हम जानते हैं कि हम व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे थे। तो यहां पर अपन पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि में भी अपनों ने देखा था कि भी भेद तो कोई होता नहीं है, नियमों पर चलती है। तो नियम अपनों ने कौन सा शुरू किया था? अपनों ने शुरू किया था अहन की संधि का नियम। अहन की संधि का नियम अपनों ने इस क्लास में शुरू किया था, अहन की संधि का नियम। तो अहन की संधि के नियम कितने माने जाते हैं, ये थोड़ा सा परिचय मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। इसमें दो नियम माने जाते हैं। एक तो माना जाता है अहन, यहां पर देखिए अहन की संधि का नियम है,
तो जाहिर सी बात है कि दोनों नियमों में पहले कहां पहले, प्लस से पहले, तो अहन ही आएगा। अब दूसरे नियम में भी देखें तो प्लस से पहले तो इसमें भी अहन ही आएगा। प्लस के बाद क्या आएगा? मान लीजिए प्लस के बाद र आ जाए, र आने पर परिवर्तन किस प्रकार से होगा ये चीज अपन देखेंगे। और यदि र के अलावा, र के अलावा वर्ण आने पर, दो ही नियम है, इतनी सी बात है कि भाई अहन के साथ र आ जाए तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, और र के अलावा कोई भी आ जाए तो किस प्रकार से परिवर्तन होगा, ये चीज अपने को देखनी थी। देखिए अपन सिर्फ और सिर्फ यहां पर इतनी सी चीज देखेंगे कि भी अहन के साथ यदि र आ जाता है तो अपन अहन को किस में बदल देंगे, अहो में बदल देंगे, ठीक है, इतना सा परिवर्तन करेंगे। और यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जो अपनों ने अहो बदला है तो अपनों ने सिर्फ अहन को ही बदला है, यहां पर आगे किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। रह जो का त्यों, जिस रूप में आया है, जिस स्वर के साथ आया है, उसी स्वर के साथ वही वैसा का वैसा बैठा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई ह्रास नहीं होगा तो कोई वृद्धि भी नहीं होगी। और यदि अहन के साथ रह के अलावा वर्ण आया है तो यहां पर अहन का अहर बन जाएगा, अहर। और मैंने आपको बताया था कि भाई अपने को ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है, अपने को ये तो करना ही नहीं है कि भाई यहां पर यदि हलंत वाला बन रहा है तो यहां पर पूरा बना देंगे, नहीं, अपन यहां पर यदि हलंत वाला बन रहा है तो यहां पर भी हलंत वाला, ए है, ये दोनों पूरे हैं, ए तो स्वर है तो वो तो पूरा ही होता है पूरा है तो अपन पूरा लिख देंगे, न आधा है तो अपन र आधा लिख देंगे, बस इतना सा परिवर्तन। कैसे? देखिए अहन के साथ र आ जाए तो मात्र एक परिवर्तन, अहन को किस में बदल दो, अहो में बदल दो। अहन के साथ र के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए तो भी मात्र एक परिवर्तन, कौन सा, अहन को अहर में बदल दो। क्लियर? देखते हैं, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है अहन जोड़ रूप। देखिए अब अहन आ रहा है और अहन के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो किस में जाएगा, इस नियम में जाएगा, अहन के साथ र आने पर, ठीक है। मात्र एक परिवर्तन कौन सा, इसको किस में बदल दो, अहो में बदल दो, ठीक है। अब इसको अहो में बदला, इसमें मैंने आपको कहा था कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो अपना जो शब्द है वो किस प्रकार से बन जाएगा, इसको तो अपनों ने अहो में बदल दिया तो जो के त्यों, आगे रूप जो के त्यों, ये लीजिए अहो रूप शब्द यहां पर बन जाएगा। देखिए यहां पर जो शब्द बन रहा है उसमें स्पेशली अपने को पता चल रहा है कि भी रह पर स्वर लगा हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं किया, रू का रू ही अपनों ने लिख दिया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि रह के अलावा अब आपके सामने एक शब्द है अहन जोड़, अहन के साथ आ गया पति, ये शब्द आ गया। देखिए अहन के साथ रह तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, रह के अलावा वर्ण आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि नियम इसमें जाएगा, ठीक है। अब इस नियम में क्या कह रहे हैं कि भी अहन के साथ रह के अलावा वर्ण आ जाए तो अहन को किस में बदलना है, अहर में, तो अपन इसको किस में बदल देंगे, अहर में बदल देंगे, बदल दे। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर ए है जो क्या त्यों उतार लिया, अब र आधा है तो आधा जो क्या त्यों, आगे कोई परिवर्तन नहीं करना, शब्द क्या बन जाएगा, अहरपति। और चूंकि अपने पास रेफ का विधान है और रेफ के विधान के तहत अपन र को संयुक्त रूप में लिख सकते हैं तो ये जो र है वो प के ऊपर चला जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, अहरपति। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई अहन होता क्या है। देखिए अहन का शाब्दिक अर्थ होता है दिन, अहो कहते हैं दोपहर को, ठीक है।
तो अहोरूप यानी दोपहर के समय किस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है उनके लिए। अब यहां पर देखिए, अहन का तो हो गया दिन और पति का मतलब होता है स्वामी। तो दिन का स्वामी कौन होता है, दिन को कौन करता है, दिन का स्वामी कौन होता है? आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण जिस दिन हो जाता है उस दिन दिन में भी रात हो जाती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो दिन में भी रात हो जाती है, यानी दिन का स्वामी कौन है? सूर्य ही है। सूर्य रहेगा तो दिन है, रात को सूर्य चला जाता है वैसे ही रात हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। तो इसलिए अहर पति अपन किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, यानी ये सूर्य का पर्याय माना जा सकता है। तो ये है अहन संधि का नियम, अहन के नियम की संधि, जिसमें अहन के लिए दो परिवर्तन आते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और उदाहरण देखते हैं इसके संबंध में कि और कौन कौन से उदाहरण इसमें आ सकते हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे और कौन कौन से उदाहरण इसमें आ सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, कौन सा? अहन जोड़ रात्रि, ये शब्द है। अब अहन के साथ क्या आया? र आया। तो हमारी ये दोनों शर्तें पूरी, यानी नियम कौन सा चलेगा? ये चलेगा। अब अपने को अहन को किस में बदलना है? अहो में बदलना है। बदल दिया तो यहां पर जो शब्द बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? अहो ज्यों के त्यों आ जाएगा, रात्रि आगे ज्यों का त्यों लिख दिया, शब्द क्या बन जाएगा? अहो रात्रि बन जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने, अहन जोड़ निशा, ये शब्द है अपने सामने, ठीक है। अब अपने सामने आ रहा है कि अहन के साथ निशा, यानी अहन के साथ रह तो नहीं आ रहा, रह के अलावा वर्ण तो अपने को परिवर्तन करना होगा इस नियम के अनुसार। ये नियम क्या कहता है कि रह के अलावा आ जाए तो इसको किस में बदलना है? अहर में बदलना है। अब शब्द क्या बन जाएगा? इसका तो अपनों ने अहर बना लिया और आगे अपने को कोई परिवर्तन करना नहीं है, निशा। अब पहली बात तो मैं आपको बता देती हूं कि अहर निशा जो शब्द है इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि नी के अंदर रह चला जाएगा, इस रूप में अपन लिख सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि भाई संधि करने पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंतिम वर्णों का ह्रास हो जाता है, जैसे भुजा का भुज अंतिम वर्ण यानी आ का ए बन गया, एक का ह्रास हो गया, ठीक है। तो भुजा का भुज बन जाता है, निशा का निश बन जाता है, रात्रि का रात्र बन जाता है, अक्षी का अक्ष बन जाता है। तो इस प्रकार से कुछ वर्णों में है वो अंतिम स्वर का ह्रास होता है, उसी प्रकार से निशा में भी एक वर्ण का ह्रास होता है और शब्द शुद्ध क्या माना जाता है? निश माना जाता है। तो यहां पर अपन क्या मानेंगे? अहर निश। हां, विच्छेद करेंगे तो वापस अपने को निशा लिखना पड़ेगा, और विच्छेद करेंगे यदि अक्षी होता तो अक्षी ही लिखना पड़ता, हाँ संधि के बाद अक्ष हो जाता। तो उसी प्रकार से यहां पर जो शब्द बना वो अहर निश शुद्ध माना जाएगा, और इस प्रकार से शुद्ध माना जाएगा क्योंकि रेफ का विधान कहता है कि भाई रह को आप संयुक्त रूप में लिखो, तो यहां पर अपनों ने रह को संयुक्त रूप में लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से आप एक बार इन शब्दों को नोट कीजिए, उसके बाद अपन और शब्द भी देख लेते हैं इस संबंध में, इस नियम के अंतर्गत कौन कौन से और शब्द आएंगे तो देख लेते हैं। चलिए आगे देखिए, यहां पर एक शब्द है आपके सामने अहन जोड़ रथंतर, ये शब्द है आपके सामने, ठीक है। अब आपने देखा कि अहन के साथ शब्द क्या आया है? रथंतर, यानी अहन के साथ क्या आ रहा है? रह आ रहा है। दोनों ये शर्तें पूरी है तो इसको किस में बदल दो? अहो में बदल दो। अब शब्द क्या बन जाएगा? ये अहो तो ज्यों का त्यों आ ही जाएगा और आगे क्या आ जाएगा? रथंतर, अहो रथंतर शब्द बन जाएगा।
उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है आपके सामने अहन जोड़ मुख, ये शब्द है। आप देख लीजिए अहन के साथ रह तो नहीं आया, अन्य वर्ण आया तो किस नियम में जाएगा, इस नियम में जाएगा। और ये नियम क्या कहता है, अहन को किस में बदल दो, अहर में बदल दो, अहर में बदल दो, बदल दिया। अब शब्द क्या बनेगा, यहां पर अ है और रे को अपनों ने कहा था कि आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से और शब्द क्या बन गया, अहर मुख बन गया। ये लीजिए एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण यहां पर माना जाता है, अहन जोड़ अहन, ये शब्द भी यहां पर महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए इस प्रकार से आएगा अहन जोड़ अहन, ठीक है। अब यहां पर अपने सामने अहन के साथ रह तो नहीं आ रहा, अन्य वर्ण आ रहा है, अन्य वर्ण आ रहा है तो रह के अलावा वर्ण आ रहा है, तो अहन को अपन किस में बदल देंगे, अहर में बदल देंगे, बदल दिया। आगे अपने पास कौन सा शब्द है, अहनी है, तो अब अपन क्या करेंगे, देखिए ए है तो अपनों ने जो का त्यों लिख दिया, अब रे आधा है और आगे स्वर है, तो जाहिर सी बात है कि व्यंजन जब आधा होता है, मैं जब संधि पढ़ाना शुरू किया था उस समय से बताती आ रही हूं कि भाई आधा व्यंजन है तो उसके बाद यदि स्वर है तो वो उसमें जुड़ जाता है, तो अब रे आधा है आगे स्वर है तो ये पूरा रे हो जाएगा, ठीक है। तो रे प्लस ए यानी यहां तक अपनों ने देख लिया, आगे क्या बचा है और न। देखिए यहां पर ये जो अंतिम वर्ण है न, इसका लोप किया जाता है, इसको लुप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अंत में आधा व्यंजन है, तो अंत में आधा यहां पर ये जो न है इसका लोप हो जाता है, तो शब्द क्या बन जाता है, अ है रह है, तो अ है रह है शब्द बन जाता है। और यहां पर एन जोड़ एहन की संधि किस में चली जाएगी, अहर में चली जाएगी, ये अपने को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो देखिए ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आपको फिर भी याद नहीं रहे तो आप याद रखना कि सप्ताह है, तो आपने देखा ही होगा सप्ताह है, तो उसमें क्या होता है, सात होते हैं और सात कौन होते हैं, अहन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई अहन का शब्दिक अर्थ तीन होता है, तो सप्ताह अपन किसे कहते हैं, जहां पर सात दिन हो, तो यहां पर भी अपन क्या करते हैं, इनको जब जोड़ते हैं तो सप्ताह है करते हैं, सप्ताहन नहीं करते, क्योंकि इसका अपन हरास कर देते हैं, इसको अपन सॉरी हरास नहीं लोप कर देते हैं, तो इसलिए सप्ताह है शब्द बन जाएगा। तो एक तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भी सप्ताहन शब्द को, ये सप्ताह है शब्द को याद रख लेना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अहन का मतलब तो दिन होता है, इतनी बात तो वहां पर क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, फिर भी यदि कंफ्यूजन आ रहा हो कि भाई अपन कैसे करें, कहीं गोलमाल न हो जाए कि अहन के साथ रह आ जाए तो क्या परिवर्तन करना है, रह नहीं आए तो क्या परिवर्तन करना है, देखिए यहां पर अहन के साथ रह आ रहा है तो अपन इसका आगे रह आ रहा है तो अपन इसमें रह कहीं नहीं बनाएंगे, ट्रिक बता रही हूं याद रखने की, अहन के साथ रह आ रहा है, रह जुड़ रहा है तो अपने को यहां पर रह बनाने की कहां जरूरत है, अपन अहो बना देंगे, और यहां पर भाई अहन के साथ रह नहीं आता तो अपन यहां पर रह बना देंगे, हो गया ना याद, अब तो अच्छा लग रहा होगा है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा भाई अहन के साथ रह आ रहा है तो फिर अपन इसका रह क्यों बनाए, इसको अहो में बदल देंगे, यानी रह जहां पर आता है वहां पर अहन किस में बदलता है, अहो में बदलता है, ठीक है। और यदि अहन के साथ रह के अलावा वर्ण आता है तो रह आया नहीं तो रह को ले आओ बेचारे को, तो अहर बना देना। तो ये था अहन की संधि का नियम, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सुंदर सा, ज्यादा इसमें उदाहरण नहीं मिलते, महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने यहां पर आपको करवा दिए हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अगले नियम की तरफ। तो व्यंजन संधि का अगला नियम देख लेते हैं, चलिए तो अगला नियम कौन सा है, ये भी बहुत ही रुचिकर है,
ये भी। और हाँ एक बात और, ऐसे नहीं हो कि पीछे का तो साफ होता जा रहा हो और आगे अपन पढ़ते जा रहे हो। तीसरे वर्ण का नियम याद है, चौथे वर्ण का नियम, पांचवें वर्ण का नियम, तीन नियम अपनों ने एक साथ पढ़े थे, ठीक है। इसके साथ साथ हलंत मैं के नियम में भी अपनों ने तीन एक साथ पढ़े थे, परंतु तय या दय के नियम में अपनों ने छह नियम एक साथ पढ़े थे, याद तो है ना। और अहन के नियम में अपनों ने दो नियम साथ में पढ़े हैं। हालांकि अपनों ने नियम ज्यादा नहीं पढ़े, परंतु उनको जोड़कर बहुत सी व्यंजन संधि अपनों ने क्लियर कर लिया, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा तीनों को अपनों ने जोड़कर एक साथ कर लिया। तीन नियम जो बड़े नियम थे वो एक साथ क्लियर हो गए सहगो स्वर्णों के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं, और आगे भी एक बहुत ही सुंदर नियम है, और नियम कौन सा है, च का आगम की संधि का नियम, आगम की संधि का नियम। तो च का आगम की संधि का नियम यहां पर देखते हैं। तो च का आगम मतलब क्या है, देखिए च का आगम का मतलब है कि च आएगा, आगम होगा, बिना बुलाए आएगा, किसी से बनेगा नहीं, अपने आप चलाएगा, तो इसलिए इसे कहते हैं च का आगम का नियम। तो कहां पर होता है इस प्रकार का परिवर्तन, कहां होता है, चलिए देखते हैं। यदि कहीं पर कोई स्वर आ जाए, ये एक ही नियम है, आप निश्चिंत होकर पढ़ लीजिए। यदि कहीं पर स्वर आता है कोई भी, और किसी भी स्वर के साथ यदि छ आ जाए, तो न इसमें परिवर्तन करना न इसमें परिवर्तन करना, जो के त्यों रहेंगे, इनके बीच में च का आगम करना है, च का आगम करना है, यानी बीच में च को लाना है। च कौन सा, याद रखना, बनते हमेशा आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लाना है। अब यहां पर अपन देखें कि भाई कैसे बन, कैसे आता है और क्या होता है। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। चलिए आपका देखा हुआ शब्द ही बता देती हूं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है अनु, और इसके साथ शब्द है छेद। देखिए अब यहां पर शब्द को देखिए, अब यहां पर क्या आ रहा है, ऊ स्वर आ रहा है, इसको निकाल लीजिए, अपनों ने निकाल लिया, छोटा हुआ है तो छोटा वो निकाल लिया। आगे क्या आ रहा है, छे आ रहा है, यानी छ आ रहा है, अब ए तो बाद में है ना, तो आगे क्या आ रहा है, छ आ रहा है, या अपन अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये आ रहा है छ जोड़ ए जोड़ द, ठीक है, यानी ऊ आ रहा है और छ आ रहा है। शर्त क्या है, स्वर के साथ छ, तो स्वर के साथ छ, दोनों शर्तें पूरी है, दोनों शर्तें पूरी है, तो परिवर्तन कुछ नहीं करना, इसका भी कुछ नहीं बनाना, इसका भी कुछ नहीं बनाना, कोई परिवर्तन नहीं करना। बीच में क्या लगाना है, छ लगाना है। तो यहां पर ए जोड़ न, सॉरी ए तो आई जाएगा, न जोड़ ऊ छोटा नू हो ही गया, बीच में अपनों ने चय लगा दिया, फिर छेद जो के त्यों आ गया, या फिर मैं यूं कहूं अनु का अनु उतार लिया, छेद का छेद उतार लिया, बीच में चय लगा दिया, बस ये परिवर्तन करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द और भी है अपने सामने, देखिए वी जोड़ छेद, ये शब्द है, ठीक है, देखा हुआ शब्द है। अब यहां पर देखिए छोटा ई स्वर है, और उसके आगे क्या है, छ आ रहा है, तो स्वर के साथ छ, स्वर के साथ छ, शर्तें पूरी है, दोनों शर्तें पूरी है, तो अपने को यहां पर बीच में छ को लगाना है। अब कौन सा शब्द बनेगा, कैसे शब्द बनेगा, तो देखिए वी आ गया, फिर बीच में आधा छ आ गया, आगे कौन है, छेद, वी, या फिर सीधे तरीके से कहें तो वी का वी उतार लिया, छेद का छेद उतार लिया, बीच में चे का आगम कर दिया, और शब्द क्या बन गया, विच्छेद बन गया, क्लियर है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि देखिए एक शब्द आपके, हाँ एक बार जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, वृक्ष छाया, शब्द क्या है, वृक्ष जोड़ छाया, अब ये शब्द है आपके सामने। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए स्वर है,
आगे क्या है, छह है। तो स्वर और छह, कोई भी स्वर आ सकता है। मैंने ये नहीं कहा भी ईयू आना चाहिए या ए आना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकता है। अपने पास टोटल स्वर संख्या में कितने हैं, 11 स्वर हैं, तो उनमें से कोई भी स्वर आ सकता है। स्वर के साथ क्या आ सकता है, छह आ सकता है। तो अपन क्या करेंगे, अब यहां पर वृक्ष का वृक्ष लिख देंगे, ठीक है, वृक्ष का वृक्ष। बीच में अपने को छाया का छाया लिख देंगे, लिख दिया, और बीच में अपने को क्या करना है, चय का आगम। तो ये चय का आगम शब्द क्या बनेगा, वृक्ष छाया। उसी प्रकार से तरु छाया भी शब्द आ सकता है। अब यहां पर तरु जोड़े छाया शब्द है, ठीक है। तो यहां पे छोटा उ आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, छ आ रहा है। तो अपने को क्या करना है, चय का आगम करना है। तो तरु का जो कि त्यों लिख दो और छाया का जो कि त्यों लिख दो, बीच में चय लगा दो। शब्द क्या बना, शब्द बन गया जी तरु छाया। क्लियर है, बहुत ही आसान है, सबसे सरल नियम है। चय का आगम होता है, चय किसी से बनता नहीं है, इसीलिए इसको चय का आगम का नियम कहते हैं। सामान्यतः अपन क्या कर रहे थे, अपन अपनों ने दो दो नियम भी पढ़े हैं। जैसे चौथे वर्ण का नियम था तो उसमें तीसरा भी बनाना था, चौथा भी, परंतु तीसरा किसके बन रहा था, पहले का, और चौथा है का बन रहा था। तो अपनों ने वर्णों के वर्ण बनाए हैं, ये ऐसा है जो अपने आप से खुद से आ रहा है, तो इसलिए इसको चय के आगम का वर्ण या चय के आगम का नियम भी कहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो उदाहरण इसके और देख लेते हैं, उसके बाद अपन बढ़ेंगे आगे। तो एक दो उदाहरण और देख लेते हैं अपन, आपके देखे हुए, आपके जाने हुए, माने हुए, पहचाने हुए शब्द अपन देख लेते हैं। आपने देखा होगा एक शब्द, देखिए, स्व जोड़ छंद, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए स्वर आ रहा है, आगे क्या है, छह है, तो स्वर के साथ छह, स्वर के साथ छह, दोनों शर्तें पूरी है, दोनों शर्तें पूरी है, तो यहां पर अपन चय का आगम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बना, स्व बना, फिर आधा चय और फिर छंद, यानी स्व का स्व लिख दिया, छंद का छंद लिख दिया, बीच में क्या कर दिया, चय का आगम कर दिया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक शब्द और है, शब्द क्या है, छत्र, छत्र जोड़ छाया, यह शब्द है। तो यहां पर देखिए ए आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो स्वर प्लस छ, स्वर प्लस छ, दोनों शर्तें पूरी, तो क्या कर दीजिए, चय का आगम कर दीजिए। शब्द क्या बना, ये छत्र हो गया, ये बीच में चय हो गया, और आगे अपनों ने छाया लिख दिया, शब्द क्या बन गया, छत्र छाया। और यदि आपसे पूछ ले कि भी छत्र छाया शब्द शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो वो इस प्रकार से शब्द लिखा जाएगा, हमेशा याद रखना है। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द और है, शब्द है वी जोड़ छिन्न, ये शब्द है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ई स्वर आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, छ आ रहा है, तो स्वर जोड़ छ, स्वर जोड़ छ, दोनों शर्तें पूरी है, दोनों शर्तें पूरी है, तो अपने को क्या करना है, मात्र चय का आगम करना है। तो अब अपने सामने शब्द क्या बन जाएगा, अपने सामने शब्द बन जाएगा वी, और इसके साथ बीच में चय का आगम और छिन्न जो का त्यों लिख देंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा, विच्छिन्न शब्द बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ये था चय के आगम का नियम, जिसमें अपनों ने उदाहरण सहित सभी चीजों को समझा है। तो उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास के दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे, एक तो अहन की संधि का नियम और दूसरा चय के आगम का नियम। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।